Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get all the latest updates from Malik Gilani. अस्सलाम वालेकुम भाइयों और भाभियों, क्या आपके पास इनमें से कोई DSLR है? और क्या आप हर दूसरे शख्स की तरह लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, जूम वगैरह पर? तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है, देखते रहिए। इससे पहले मेरे चैनल पर आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी वो सारी तकरीबन इंग्लिश में थी, सिवाय व्लॉग्स के। जो मेरी दुबई व्लॉग सीरीज़ है, ये आई बटन जो है इसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें, यू विल एंजॉय। तो मैं कह रहा था कि इससे पहले आपने मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, ज़्यादातर अनबॉक्सिंग वगैरह थी, वो इंग्लिश में थी। जिसका एक रीज़न था वो ये था कि वो एक क्लाइंट की तरफ से मुझे टास्क मिलता था कि मुझे उनके लिए प्रमोशनल वीडियोस बनानी होती थी अनबॉक्सिंग वगैरह की, और वो एक ख़ास ऑडियंस के लिए होती थी जो इंग्लिश समझती है, इसलिए वो वीडियोस इंग्लिश में होती थी। आज मैं ये वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ। मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो ऑडियंस है जो उर्दू और हिंदी को आसानी से समझ पाती हैं। मुझे काफ़ी सारे DMs आए थे और फेसबुक वगैरह पर भी क्यूरीज आई थी कि हम DSLR कैमरा को एज अ वेबकैम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और वो भी विदाउट कैम लिंक कार्ड या किसी कैप्चर कार्ड के। कुछ वक्त पहले तक लाइव स्ट्रीम करने के लिए ज़रूरी होता था कि आपके पास कैप्चर कार्ड हो और आपके कैमरा में क्लीन HDMI का ऑप्शन हो, जो कि पुराने DSLRs में आपको नहीं मिलता। अब ना ही आपको कैप्चर कार्ड की ज़रूरत है और ना ही क्लीन HDMI की। अब आपके पास होना चाहिए बस एक DSLR कैमरा और ये केबल, जिससे आप अपने कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको वीडियो क्वालिटी और ऑटो फोकस बिल्कुल उसी तरह मिलेगा जैसे आपको डायरेक्ट DSLR यूज़ करने में मिलता है। कैनन ने रिसेंटली अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है जिसका नाम है US वेबकैम यूटिलिटी बेटा वर्जन। इसके थ्रू आप सिंपली अपने कैमरे को अपने PC से कनेक्ट करेंगे और आपको क्लीन HDMI के साथ DSLR क्वालिटी रिजल्ट अपने कंप्यूटर पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आप ये किस तरह अचीव कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक ओपन करें, अपना कैमरा मॉडल सेलेक्ट करें, फिर ड्राइवर्स और डाउनलोड्स पर क्लिक करें, फिर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करें। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 10 64-bit ज़रूर सेलेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास US वेबकैम यूटिलिटी शो नहीं होगा लिस्ट में। जैसे ही आप विंडोज़ 10 64-bit सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने US वेबकैम यूटिलिटी बीटा वर्जन शो होने लग जाएगा। उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। एक ज़िप फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल को ओपन करें, अंदर एक सेटअप फाइल होगी, उसको क्लिक करें और नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें और सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। अब अपने कैमरा को आप अपने सिस्टम पे कनेक्ट कर लें अपनी USB केबल के थ्रू। उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं स्ट्रीमिंग के लिए, जैसे OBS, Zoom या SparkoCam। मैं यहाँ OBS यूज़ करूँगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद और कैमरा कनेक्ट करने के बाद ये भी हो सकता है कि OBS सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कैमरा को डिटेक्ट ना करे। अगर आपने US यूटिलिटी इंस्टॉल किया हुआ है तो जैसे ही आप अपना कैमरा कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले सिग्नल आपके कैमरे का US यूटिलिटी पर जाएगा, जिसकी वजह से US वेबकैम यूटिलिटी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए एक सिंपल ऑप्शन है, आप टास्क मैनेजर में जाएँ और US यूटिलिटी को एंड टास्क कर दें। उसके बाद OBS या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप ओपन करें, वीडियो सोर्स के अंदर US वेबकैम यूटिलिटी सेलेक्ट करें और अब आपका कैमरा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा इस तरह। तो ये है मेरा डेस्कटॉप सेटअप, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा जो कैमरा है वो मेरा सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ है, और साथ में मैंने एक कंडेंसर माइक्रोफोन लगाया हुआ है पॉप फिल्टर के साथ, ताकि ज़रा साउंड अच्छी आ सके लाइव स्ट्रीम के दौरान। तो ये मेरा कम्प्लीट सेटअप है और अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है। आप इसके अंदर अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अंदर अपना जो रोड का वायरलेस माइक है वो ऐड करा हुआ है। जब मैं वो माइक्रोफोन मुझे वायरलेस लगाना होता है तो मैं डायरेक्ट अपने सिस्टम में उसको कनेक्ट कर देता हूँ और उसकी ऑडियो डायरेक्ट इस वीडियो के साथ सिंक या तो स्ट्रीम कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये मेरा सेटअप है और इसमें फ़िलहाल जो ऑडियो आ रही है वो आ रही है इस कंडेंसर माइक्रोफोन से, जो कि ऑक्स के थ्रू इनपुट इसका दिया गया है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी स्क्रीन ओवरले जैसे ऑटो फोकस बॉक्स या फोकसिंग बॉक्स या कोई भी दूसरी डिटेल्स जो आपके कैमरे की स्क्रीन पर आती है इसमें शो नहीं होती और आपका ऑटो फोकस बिल्कुल परफेक्टली उसी तरह वर्क करता है जिस तरह आपके नॉर्मल DSLR में करता है। वैसे तो मेरा कैमरा ऑलरेडी मेरे PC के साथ सिंक्ड है, मैंने सीन ऑलरेडी ऐड करा हुआ है, उसमें मेरा कैमरा इंक्लूडेड है, मेरे माइक सोर्स इंक्लूडेड है, लेकिन आपको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए मैं आपको ये प्रोसेस दोबारा करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप सीन ऐड करेंगे, इसका नाम है सीन 2, आपने ओके कर दिया। अब सोर्सेज के अंदर आप ऐड करेंगे जो भी सोर्स आपने ऐड करनी है, जैसे मुझे अगर कैमरा ऐड करना है तो मैं वीडियो कैप्चर डिवाइस पे जाऊंगा, क्रिएट न्यू, ओके। और जैसे ही मैं ये खोलूंगा तो इसमें iOS वेबकैम यूटिलिटी डिवाइस में वो सेलेक्ट कर लेगा ऑटो, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास यही अटैच्ड है अपने सिस्टम के साथ। तो ये आप देख रहे हैं, ये सब इसकी सेटिंग्स होती हैं, जो भी आपको फ्रेम पर सेकंड FPS वगैरह रखना है, वीडियो फॉर्मेट, जब अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको क्या फॉर्मेट रखना है, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरे पास ये DSLR की स्क्रीन जो है वो मेरे सिस्टम पर आ चुकी है और मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली जितना मुझे इसे रिसाइज करना है। सिमिलरली इसी सीन 2 की सोर्स के अंदर ही अगर मुझे ऑडियो डिवाइस अपना डालना है तो मैं इसके अंदर दोबारा सीन 2 सेलेक्ट करके ऐड में जाऊंगा और मैं अपना ऑडियो इनपुट ऐड कर दूंगा, ओके करूंगा और ये मेरे पास जो भी फ़िलहाल मेरा कनेक्टेड है माइक वो दे देगा। मैं इसे सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। इस तरह आप OBS के थ्रू YouTube पे डायरेक्ट स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट अपने DSLR के थ्रू अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप पर। अगर आप स्ट्रीमिंग YouTube पे करना चाहते हैं तो इसमें आप यहाँ सेटिंग में जाएं और आपका जो स्ट्रीम का ऑप्शन है उसके अंदर आप जो भी सेटिंग्स आपको उसमें नज़र आ रही हैं आप यूट्यूब का आपका जो स्ट्रीम की होगी वो आप जाके डायरेक्ट अपने चैनल से लेके आप यहाँ पे डालेंगे और आपने बस एक बार ये प्रोसेस करना है। उसके बाद जब भी आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे डायरेक्ट आपका कैमरा यूट्यूब पे स्ट्रीम करने लग जाएगा, कोई कन्फर्मेशन वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए बी केयरफुल, जब भी आप ये दबाएंगे प्रेस करेंगे स्ट्रीम इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि आपके DSLR की जो ऑडियो है वो आपको OBS के अंदर डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको एक सेपरेट माइक आपको लगाना पड़ेगा जिसमें आप ऑडियो इनपुट दे सकते हैं। आप कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर माइक या कंडेंसर माइक्रोफोन या वायरलेस माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।